बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में शराबबंदी कानून के सख्ती से पालन को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। सूबे के मुखिया के फरमान के बाद आज राज्य के सभी पुलिस कर्मियों ने एक बार फिर से शराब नहीं पीने की शपथ ली। आपको बता दें कि पुलिस विभाग को शपथ लेने को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने आदेश पारित किया था। डीजीपी ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी, रेल एसपी को पत्र लिखा था। वहीं पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद थाना से लेकर पुलिस मुख्यालय तक सभी पुलिस कर्मियों ने शराब नहीं पीने और शराब के कारोबार में शामिल नहीं होने की शपथ ली। डीजीपी ने पुलिस महकमा में जो पत्र लिखा, उस पत्र में उल्लेख किया गया कि 9 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार ने मद्य निषेध की बैठक की थी। बैठक में सीएम ने संबंध में निर्देश दिया था, लिहाजा आज 21 दिसंबर को पूरे बिहार के पुलिस कर्मियों ने 11 बजे अपने दफ्तर में शराब नहीं पीने, शराब के कारोबार में शामिल नहीं होने की शपथ ली। बता दें आपको, इसके पहले भी कई दफे बिहार के पुलिसकर्मी शराब नहीं पीने की शपथ ले चुके हैं, बावजूद इसके बिहार के पुलिसकर्मियों पर इसका असर नहीं पड़ा। पुलिस के शराब पीने और कारोबार में शामिल होने की आए दिन प्रदेश में कई शिकायतें मिलती रहती हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पुलिस कर्मियों को शराब नहीं पीने की शपथ लेने को कहा है। इसी के चलते आज 21 दिसंबर को 11 बजे बिहार में तमाम पुलिस कर्मियों ने शराब नहीं पीने की शपथ ली है।